आप यहाँ बैठे, मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी आपको। मैंने ना आपके लिए खीर बनाई, आप मतलब मंगवाई है। क्यों कर रहे हैं तुम्हारे भाई ऐसा मेरे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये सब लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हुआ है? गुलाब और मिस्कीन भाई गए मेरा रिश्ता देखने। मैं तो कहती हूँ वहीं कर लो शादी। मीनू तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर, प्लीज कुछ करो यार। बेबे नहीं मान रही, वो कह रही है जहर खा लूंगी लेकिन हादी की शादी ना तुम्हारे साथ नहीं करेंगी। तुम्हें पता था अपने भाई के इस चक्कर का? कब से धूल झोंक रहे हैं दोनों हमारी आंखों में? 6 महीने। और तुम ये सब जानती थी? निकलो निकलो अभी इसी वक्त हमारे घर से और जाके रहो अपने मैके। क्यों कर ली बाजी आपने शादी? पागल कीड़े ने काट लिया था मुझे। कितना मजा आता था ना, हम रोज पापड़ खाते थे और इमली भी खाते थे और साइकिल पर घूमने भी जाते थे। सच बताओ बहुत पछता रही हूँ मैं शादी करके। बाद में पछता लेना, अभी चलो घर, मिशी के ससुराल वाले आ रहे हैं घर पे। हाँ तो मुझे कौन से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना है उन्हें? मीनू फजूल बातें मत करो। कल क्यों निकाला था मुझे धक्के देकर? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी तुमने? आप भी तो छुपाते हैं मुझसे बातें, आपने क्यों नहीं बताया? मीनू मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, वो लोग आने वाले हैं बस। मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी करते। मैं चलती हूँ। देखो तुम आज ना गई ना साथ तो सारी जिंदगी नहीं लेके जाऊंगा। सारी जिंदगी? मैं तो एक लम्हा नहीं रहना चाहती आपके साथ, जान छोड़े मेरी। देख लो बहुत बड़ी बात कर रही हो तुम। कहा ना किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी आपके साथ, जाएं आप यहां से। तनी क्या समझते हैं खुद को? और माने बड़े अब्बा के फजूल किस्म के फैसले। तुम ना चुप करके बैठ जाओ। नहीं मैं क्यों चुप करके बैठूं? मैं बेरोजगार आदमी हूं, मेरे गले में आप लोगों ने डाल देना एक दफा खर्चा करके वो नताशा पटाखा जो भी उसका नाम है, मैं कहां से उठाऊंगा उसके शाहाना खर्चे। ठीक तो कह रहा है बच्चा। तो कह दो ना पाजी से भाई हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम 4 लाख का लहंगा खरीदें। 4,35,000 का? हाँ आप ही बात करें ना बड़े अब्बा से। अरे भाई मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं है और मेरी तो समझ से बाहर है कि इतने महंगे जोड़े की जरूरत क्या है आखिर। तुम लोग मानो या ना मानो मेरी बात याद रखना कफैत, ये मीनू की शादी का बचाया हुआ सारा पैसा जो है ना ये अपनी निवासी पे लगाएंगे पाजी, देख लेना। खुदा के लिए बेबे इस मसले का कोई हल तो निकाले ना। एक हल तो है, उस जोड़े की कॉपी मिल सकती है 2 लाख में। 2 लाख रुपए की कॉपी यानी कि 2 नंबर माल? उफ अल्लाह, ऊपर से वो जो शादी हॉल का खर्चा है वो अलग डाल देंगे आपके ऊपर। अच्छा बेवकूफ बनाया है बड़े अब्बा ने आप सबको। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लो उन्होंने आपको सोचने के काबिल कहां छोड़ा है, ऊपर से उनका पूरा खानदान भी यहाँ पे आके रहना शुरू हो जाएगा, फिर उनका सुबह का नाश्ता अलहदा, लंच अलहदा, डिनर का खर्चा अलहदा, पंखे भी ज्यादा चलेंगे, बाहर बच्चों ने जाना होता है उसके छोटे मोटे खर्चे तो बढ़ जाएंगे ना फिर। पता नहीं मेरी समझ से तो बाहर है ये सब चीजें। तुझे क्या हुआ सुरमेदानी? वो फाजी भैया ने मारा है मीनू बाजी को। क्या क्या मारा है? इसकी ऐसी की तैसी, कहाँ है वो? शायद अपने घर चले गए। फल की बुआ आपकी पूरी फैमिली की बहुत तारीफ कर रही थी। भाई हमें आपकी रमेशा बहुत ही पसंद आई है। हमारी मिशी है ही बहुत प्यारी माशाल्लाह। तो फिर बस बिस्मिल्लाह करते हैं, हैं? अरे मेरा तो ख्याल है डायरेक्ट निकाह की डेट सेट कर लेते, इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्यों अम्मा? हाँ मंगनी से तो बेहतर है निकाह। तो फिर इस जुम्मे को फाइनल करते हैं, क्या ख्याल है आपका? अरे माशाल्लाह बड़ा ही नेक ख्याल है, हमारी तरफ से तो फाइनल है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। खाली मुंह मुबारक, मिठाई मंगवाओ ना। अरे हाँ मुंह तो मीठा करवाओ मिस्कीन। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिठाई लेके आता हूँ, आप लोग बैठे। बिजनेस के अलावा आपकी और कौन सी हॉबीज हैं? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हमारी मिशी को भी। घटिया इंसान, मिशी से मोहब्बत की सजा तो मेरी बहन को दोगे? हाथ क्यों उठाया तुमने मीनू पर? क्या बकवास बंद करो और चला जाए यहां से। नहीं जाऊंगा, पहले बताओ कि मीनू पे हाथ क्यों उठाया तुमने? ये मीनू कौन है?
मिसेज है इनकी जनाब की, निहायत घटिया और थर्ड क्लास का खानदान है ये। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, निकल जाए इस पतली गली से। जबान संभाल की बात करो आदि। मैं जबान संभाल लूंगा, पहले आप अपने भाई के हाथों को संभाले। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? और ये किस मोहब्बत की बात कर रहा है ये? ऐसे ही मुंह से निकल गया था सच मेरे, इग्नोर करो तुम बस। क्या मतलब मिस्किन भाई, आप बताइए ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ये असल में भाई बहन है ना, बस इतनी सी। हेलो, बहन होगी तुम्हारी? एक मिनट रुको मिशी, इधर आओ और इनको बताओ कि तुम्हारा भाई सिर्फ फाजी है। हाथ छोड़ो सर, जाओ तुम। इनफ इज इनफ, चलिए अम्मी। अरे लेकिन आप हमारी बात तो सुन ले। आप हमें बात सुनाने के बजाय अपनी बहन के दिल की आवाज सुनिए। मिठाई लेके आ रहे हैं, परेशानी की क्या बात है? मिठाई आइए, चले आपको बाहर छोड़ के आता हूं। इसमें तो ऐसी बातें हो जाती है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अरे मैं आपको बाहर तक छोड़ के, क्या हो रहा है? क्या हो गया अम्मा? अरे यहाँ सारी तैयारियां फिट हैं, बस तुम कल निकलो ट्रेन से, गज बज के करेंगे अपनी कुड़ी का ब्याह। खैर पुत्र, तेरा मुंह क्यों पीला हो रहा है? बड़े बाप से बहुत जरूरी बात करनी है। खैर तो है ना पुत्री? चलिए ना कमरे में, मैं आपको सब बताती हूँ। चलो करने हैं। ओ कोई नमाज से आपात ले नहीं पाता दूसरी लोगों ने। क्यों मारा तुम्हें फाजी ने? हैं? मुझे? सच सच बताओ मीनू, क्या क्या जुल्म करता रहा वो तुम पर? जुल्म? तुम्हें मेरी कसम मीनू, झूठ ना बोलना। देखो हम वो माई नहीं है जो अपनी बेटियों से ये कह के उन्हें रुखसत करेंगे वहां जाके जूतियां खाती रहो। हाँ और हम वो माई भी नहीं है जो कहें कि जनाजा उठेगा उस घर से। एक्सक्यूज मी, कौन सा जनाजा, कौन सी जूतियां? अरे अम्मी रोना तो बंद करें आप। देखे ना भाभी, अभी भी पर्दा डाल रही है अपने शौहर के करतूतों पर। हाँ ये मशरकी औरतें कुछ भी हो जाए कभी भी अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। पढ़ते तो मुझे लगता है आप लोगों की ना अकलों पे पड़ चुके हैं। क्यों मारेंगे भाई फाजी मुझे, किसने बताया आपको? मिर्ची ने। मिर्ची की बच्ची की ना जबान काट के मैं सिक्का बना दूंगी। मिर्ची तुम क्या कहती बड़े अब्बाई कमरे में? कुछ नहीं। देखिए हम ना असल में बड़े खानदानी किस्म के लोग हैं। जी हाँ वो तो नजर आ रहा है ना। देखिए दिल का मामला था इसलिए आपने बात दिल पे नहीं लेनी। तुम दोस्त आंटी को ना घर जाके अच्छी सी चाय पिलाना। ओ भाई अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो यार, चले अम्मी। हम तो लड़की भी अपने पास ही रखेंगे। ये मेरा भाई है, ये अभी क्रिकेट का मैच जीत के आ रहा है। वो जो अंदर T20 शुरू किया है ना उसकी फिक्र करो। बेफिक्र है, वो फिक्स्ड है पहले से। अल्लाह हाफिज। बॉस बड़े छक्के मार रहे थे आप तो। हाँ पहले तो मैं छक्के छुड़ा के हूँ ना अपने ससुरालियों के। ये लाहौर वाली पार्टी को इनकार कर दिया? पहले तो ये कराची वालों की तबीयत मैंने साफ की ना, बहुत हाथ चल रहे थे फाजी के बच्चे के। इसका मतलब सही दंगल लगा होगा। ऐसा वैसा, चल अंदर चलते हैं। तुम कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से। सोच लो इसी जहन्नुम में जलना पड़ेगा पूरी उम्र। वैसे बहुत गलत किया आपने आज, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वलीद अपनी भाभी को बता दो कि इसके लिए तो मैं कटी पहाड़ी से भी छलांग मार सकता हूँ। बाकी हाँ हाँ हाँ, फिलहाल तो जाके अपने ससुरालियों को संभालें, फौजे लेके लाहौर स्टेशन पहुंच गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी गुड न्यूज सेलिब्रेट करूं या इस मनहूस खबर पे मातम करूं। क्या करूं या अल्लाह। रुक जाओ, क्या जान चढ़ाया तुमने? क्यों अब क्या कर दिया मैंने? सच सच बताओ हादी भाई को तुमने चाबी दी ना? रूमी वो कोई चाबी वाले गुड्डे हैं जो मेरे चाबी देने से उछलने लगेंगे? आपा का ब्लड प्रेशर ना महंगाई की तरह बढ़ता जा रहा है, अपनी खैर मनाओ तुम। बेबे ऐसी टिका टिका के रहे हो ना उनको, उनके पूरे खानदान वालों के कानों से धुएं निकल रहे होंगे अभी। मेरी तरफ से भी दो चंडे रख के मारनी थी, उड़ के जाता मच्छर कलोनी में वक्तों का पोतरा। आपकी तरबियत का लिहाज कर दिया मैंने, वरना प्लान मेरा यही था। बेचारी तबीयत को तरबियत की क्या इस फसाद की जड़ से पूछे कब मारा फांसी ने मुझे? क्या मतलब है? झूठ बोल बोल के ना इसकी जबान काली हो चुकी है, जरा चेक करवाओ। मारा नहीं लेकिन हाथ तो ऊपर किया था ना। मैं जो वहाँ पर पानीपत का मैदान से जाके आ गया हूँ वो? आप तो किसी और चक्कर में बैंड बजा कर आए।
खैर एक बात लिख ले बेबे, तीसरी जंगी अजीम ना इस मिर्ची की वजह से होगी। तीसरी जंग अजीम का तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे पहला हार्ट अटैक जो है ना हादी की ससुरालियों की वजह से होगा। मिर्ची बेटा चूरी से एक गिलास पानी लेके आओ जल्दी। क्या हुआ अब्बा? नई फरमाइश आ गई लाहौरियों की तरफ से। क्यों भाई, उन्होंने हमें बिल गेट्स के खानदान से समझा हुआ है, हर वाले फरमाइशें फरमाइशें फरमाइशें। आप लोगों को ही शौक हो रहा था कि इधर निकाह कर दे मेरा। क्या फरमाइश कर दी अब्बा? कहते हैं कि निकाह किसी 5-स्टार होटल में होगा। तो बता देना था, हमारा कोई स्मगलिंग का कारोबार तो नहीं है ना? हाँ तो और क्या, बल्कि हमारी कुकड़ियां सोने के अंडे देती हैं, या हमारा पाउडर का काम है। वैसे ये पाजी है कहाँ? मैंने उन्हें कुछ देर पहले मिशी के साथ देखा था। मुझे क्यों स्कैन करी है ऐसे? तुम्हें पता था? आपको भी इल्म था? तुम्हें भी पता था? सरकार 50-50। हेलो आदा। आ गया चाइना का वायरस। इसको भी पता था? सब पता चल गया मुझे सब। क्या पता था आपको? यही कि आर्मी मंडी में डॉलर का रेट अचानक से क्यों बढ़ गया। आर्मी मंडी का तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इस घर में ग्रोसरी का बिल इन दोनों मियां बीवी की वजह से जरूर बढ़ रहा है। अरे भाई देख रहे हैं आप, दामाद हूं तोहिन कर रहा है। आप ही बैठ कर देखे ना, मैं जरा जाके अपने ससुरालियों को देख लूं। समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे? इसकी हां जी, मेरे को कोई भी गोली ला दे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अम्मा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला आला आपके बराबर में खड़ा है, जाके अपनी बेगम को बना के ऐसा ना चूहे मारे दवाई खा के मर जाए। जा तू भी ध्यान से रहना, हमने पूरे घर में डाडी साड़ी कड़कियां लगा के रखी हैं, डेंजर माउस, कहीं तू बीच में ना फंस जाए। जा जा, मैं जा ही रहा था तेरी कच्ची हो गई। घर में रह रहा हूं मैं यार, बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या पका? तेरी बीवी का भेजा और मेरा मगज खाएगा? मिशेल की रखना, शर्म की थी कर, घर में टेंशन पे टेंशन चल रही है और तेरी भूख ही नहीं खत्म होने को दे रही। भाई हमारी अम्मा कहती हैं कि जब टेंशन बढ़ जाए तो अपनी गिजा बढ़ा लो, जब टेंशन बढ़े तो अपनी गिजा बढ़ा लो। जी चलें, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं कह रहा हूँ मीनू हट जाओ। आप हादी भैया को कुछ नहीं कहेंगे? आज तो उसकी हड्डी पसली तोड़ के रहूंगा मैं। अरे आपको ना जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या बात कर रही हो मीनू, तो मैं पता है क्या थर्ड क्लास चीप बातें करके आया वो सब गेस्ट के सामने। देखिए ये सब कुछ ना वो मिर्ची का किया था रहा है, उसी ने भड़काया है सबको। मिर्ची? एक तो एक से बढ़ के एक सब डफर पाल रखे हैं तुम लोगों ने नवाब विला में, किसी के पास अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ हाँ, वो नवाब हाउस के अंदर जो अरस्तु और अफलातून के जानिशीन बैठे हुए ना, उनके भी जंग आलू दिमाग देख रखे मैंने। अरे ओबे मीरू, पागल हो गया तुम्हारा हस्बैंड? 14 टीके लगवाओ इसको, 14। पागल? बेटा मेरा पागलपन तो तू अब देखेगा, मेरी बहन का घर नहीं बसने देगा ना तो तेरी बहन का घर भी उजाड़ के रखूंगा मैं। अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? अबे जा बड़े आए तेरे जैसे, तलाक याफ्ता ना भी नहीं तो उससे पहले बेवा जरूर हो जाएगी, लिख ले मेरी बात ये। अच्छा तो ये बात है, तो फिर देखते हैं बेटा पहले बेवा होती है या तलाक याफ्ता। अरे हादी भैया आपका घर तो बस नहीं ना, मेरा क्यों उजाड़ रहे, मजा क्या है आपके साथ? बे छोड़ो इस मेंटल पीस को, तुम्हारे काबिल ही नहीं है मीनू। हद है यार। मिशी दरवाजा खोलो। ओए मिशी, अगर तुमने दरवाजा ना खोला ना तो ईंट से ईंट बजा दूंगी पूरे घर की।
वो तुम्हारा इश्क तुम्हारी नाक से ना निकला ना तो गुल नाम नहीं है मेरा। सरकार, मेरी सरकार, दम वाला पानी पी लो। जब तक मैं इसकी जान का दम नहीं निकालूंगी ना तो एक घूंट भी पानी हराम है मुझ पर। सरकार, वैसे शर्म वाली बात तो है ना, आप देखो आपके प्यारे से नाक के नीचे कैसे गुल खिला के चली गई, पता ही नहीं चला हमें। पता तो पड़ोसियों को कल चलेगा, जब डिवोर्स पेपर जाके उनके मुंह पे मारूंगा। हो धाड़ो धाड़ भाई, क्या हादी और मिशी ने शादी कर ली। कुछ खुदा का खौफ करे मिस्कीन भाई, मैं मीनू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हादी की इस हरकत के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती उसकी इस घर में। वाह, तुम्हारे अंदर भी गैरत के कुछ जरासीम मौजूद है अभी। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी पर साथ में मुझे पानी पी लेने दो, पिलाती हूँ तुम्हें मैं। सरकार इजी, जरा हौला हाथ रखो अपने जज्बात पे। अच्छा सुनो, डिवोर्स पेपर्स कब भिजवा रहे हो? कल कॉल करता हूँ ना वकील को। मेरा भिराते मेरी जाल, किसी को हक महर के 10 लाख रुपए याद हैं कि नहीं है? उस दिन निकाह के रोले में किफायत चचा ने लिखवा दिए थे। इसी के साथ खबरें खत्म। टुनुनु हेलो, तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है? अच्छा ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग। डोंट वरी मीनू, 10 लाख हक महर की खबर सुन के ना हवा निकल जानी तुम्हारी मिजाजी खुदा की। और फर्ज करो फिर भी अगर तुम्हारी डिवोर्स होगी तो तुम समझना तुम्हारा प्राइस बॉन्ड निकल आया, वो भी 10 लाख रुपए का। हाँ, कोई छोटी रकम थोड़ी है ये। हाँ मुझे प्लीज वो 36,000 वाला जॉगर्स दिलवा देना। और मुझे बस सिर्फ मुफ्त की दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं। बहुत ही ना हाई लेवल की बकवास कर रहे हैं आप दोनों। लो, एक तो जमीनी हकायक बता रहे हैं तुम्हें बेवकूफ लड़की। जमीनी हकायक तो ये है कि आप दोनों मिलकर ना मेरा घर बर्बाद कर रहे हो और आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा है। अरे पगली, एहसास है, आई प्रॉमिस हम नेक्स्ट टाइम को अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ वो है ना वो जावेद साहब जिनकी बीवी का भी पिछले दिनों इंतकाल हुआ है। आप लोग टाइम निकाल के मर जाए। अरे टाइम ही तो नहीं है मीनू। और वैसे मुझे तो परेशानी हो रही है, वो चिड़ी मार कहीं वाकई में डिवोर्स ना दे दे, मैं तो वैसे इसको खुश करने के लिए चबले मार रहा था। ओ इन तिलों में इतना तेल नहीं है आदि भाई। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? एंगेजमेंट हो गई तुम्हारी फूफी के बेटे के साथ क्या? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, खस कम जहां पाक, खुदा का खौफ है आदि भाई, अपनी तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो गई और मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। तुम जाके ना उसकी फूफी के बेटे का बायोडाटा पता करो, मैं तो वैसी जो है किश्तियां चला के बैठा हुआ हूं। मैं और किसका घर बसाने नहीं दूंगा उसको। मैं भी जरा वो बैलेंस बताने वाली लड़की से बात कर लेता हूं। हेलो, बात तो मैं किसी से करता नहीं जी, मेरा बैलेंस छोड़ जाता है। आप चेक करें जी, सिस्टम में चेक करें आप अपने। साथ इतनी अच्छी रिंग भिजवाई आपने मुझे डायमंड की दुबई से कि मैं क्या बताऊं। यकीन माने मुझे तो अपनी किस्मत पर इतना रश कर है, और फुप्पो वो तो अभी तक सदमे की कैफियत में। साथ मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं, वो एक्चुअली पीछे से ना कॉल आ रही है, मुझे लगता है कि बिल्डिंग का चौकीदार कॉल कर रहा है, पता नहीं क्या काम पड़ गया इसको। हाँ ठीक है, क्या मुसीबत है वली तुम्हें? हाँ क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मेरे फियांसे की कॉल आई हुई थी दुबई से। जन्नत बीबी, आप बाहर आ रही हैं या मैं अंदर आऊं? क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो? आ रही हो नीचे? पागल बेवकूफ। जल्दी से देख के बता तेरी छोटी दादी ने क्या स्टेटस लगाया है। Feeling heartbroken. नेक परवर के साथ बुरा करके कौन ठीक रह सकता है, तबाह बर्बाद हो जाएंगे सारे। हादी के दुल्हन के लहंगे का मसला भी हल हो गया। क्या मिल गई है डिजाइनर लहंगे की फर्स्ट कॉपी? अरे बेबे फर्स्ट क्या, सेकंड, बल्कि मैं तो कहूंगी थर्ड कॉपी, बहुत ही सस्ता मिला है। अच्छा क्या हादी बोल, पाजी ने सुन लिया ना तो नई पंचायत लग जाएगी तब। अरे पता बेबे, मैंने तो लहंगे के लिए ना घुंघरू का ऑर्डर भी दे दिया टेलर को।
आप लोग यहाँ बैठ के घुघरू लगाएं, वहां मेरी डफली बजा दी आपके दामाद जी ने। हमारा कोई लेना देना नहीं है भक्तों की आलू लात से, दफा कर कसम खान। मिर्ची चल जल्दी से मेरा ये वाला फोटो अच्छी तरह बना के ना ब्यूटी शूटिंग लगा के इसको लगा दे, इंस्टा पे लगा दे, सोशल मीडिया पे लगा दे, फैला दे इसको अच्छी तरह। एडिटिंग करके थोड़ा मेकअप भी कर लूं। हाँ हाँ कर दे, और गुलाबी लिपस्टिक लगाई। अच्छा आप लोग करें अपनी पिक्चर ब्राइट, यहाँ मेरा फ्यूचर काला कर दिया आप लोगों ने। क्या हुआ है मीनू? तलाक दे रहे हैं वो मुझे। हाँ हाँ लगा दो ये स्टेटस तुम बेबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर, अच्छा है ना, सबको खबर मिल जाएगी। पागल तो नहीं हो गई कहीं, इसका दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ हाँ बावली हो गई हूँ, शादी नहीं की तमाशा लगा दिया आप लोगों ने मेरा, अब टिकट भी लगा दे मुझ पर, अच्छी आमदनी हो जाएगी आप लोगों की। ये बीनू कहाँ टिकट लगाने का कह रही है, बताओ भाई वरना कोई कारोबार शारोबार कर लेंगे अगर अच्छा है तो। तौबा कफैत, तेरा नाम क्या रख दिया हमने कफैत, तूने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी हर वक्त हिसाब किताब की बातें करके। हिसाब किताब से याद आया, वो ताया अब्बा गए थे गेस्ट हाउस मेहमानों के लिए बुकिंग कराने, आए नहीं अभी तक। आप खुद फोन करके पूछ लीजिए ना, और पता करेंगे लड़की वाले ट्रेन में अब तक बैठे हुए हैं कि नहीं। हाँ पूछ पूछ जल्दी कर। अब मारता हूँ मैं, मिस कॉल मारता हूँ। मुझसे पूरे घर का राशन छुपा दिया, सबने 20 रुपए वाली नूडल लग दी कि मैं नियत तो मैं खा लूंगा, भूख लगती अभी खाओगे? नो थैंक्स। खाओ लो, मूड नहीं है। अरे बहुत बुरा बना है, खा लो। गुस्से में क्यों भाई, क्या हो गया, खैरियत? फाजी इससे पहले कि तुम्हारा इरादा बदल जाए पकड़ो। क्या है इसमें? चूड़ियां है। चूड़ियां? भाई ऐसा क्या कर दिया फाजी भाई ने कि आप इन्हें चूड़ियां पहना रही? आपा इस इंसल्ट की वजह पूछ सकता हूँ मैं? बेचने के लिए दे रही हूँ, 12-13 लाख की तो होंगी। कहीं आप ये पैसे मिस्कीन भाई को तो नहीं दे रही कि वो नया बिजनेस शुरू कर सकें? पर बात कर देंगे वो। भाई वो हमारी अम्मा कहती हैं कि वो यतीम का पहले हक होता है, तो इसलिए मेरा हक पहले है। चुप करो तुम दोनों, ये चूड़ियां हैं इन्हें बेचो और हक महर के पैसे मीनू के मुंह पर मार कर आओ, फारिग करो उसको इस घर से। खुदा का वास्ता है मानी भाई, मुंह बंद कर लें, हलक का कब्बा तक नजर आ रहा है। मुझे तो तलाकनामा नजर आ रहा है भाई। ये रखें आप, पैसे हैं मेरे पास। तो फिर सोच क्या रहे हो, फॉरन डिवोर्स पेपर्स भिजवाओ उस लड़की को, इस वाक्ये के बाद एक सेकंड नहीं रुक सकती वो इस घर में, समझे? अब एक स्पेयर चूड़ी पड़ी हो तो मुझे भी दे दे, कारोबार शुरू कर लूंगा भाई। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, गिरा गधे से गुस्सा कुम्हार पे। मानी भाई आप कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, पहले कितना डिस्टर्ब हूं मैं, अभी जो गंदे नूडल्स खा के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं वो सोचिएगा। भाई ये खा लो, आज का पूरा तो करो। ये सब क्या है जन्नत? तुम्हारे सड़े हुए गिफ्ट्स। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? डायमंड की रिंग है, और हाँ पकड़ो अपनी ये आर्टिफिशियल रिंग, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए थे। ये वाली तुम मीनू की ड्रेसिंग से लेके आया था? सीरियसली तुमने अपनी बहन की रिंग चुरा कर मुझे दी थी? सिर्फ यही नहीं, चचा के गुल्लक से पैसे भी खिसकाए थे तुम्हारा इजी लोड करने के लिए, ये सब मैंने अपनी मोहब्बत में किया था। तो फिर तो ये समझो कि मैंने भी ना अपनी मोहब्बत में ना अपने दिल पे पत्थर रख के ही फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम आगे जाके कोई चोर या डाकू बन जाओ। लेकिन मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ ना। पहले तुम अच्छे इंसान और अच्छे स्टूडेंट तो बन जाओ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हारा फ्यूचर तो मैं हूँ ना। हूँ नहीं थे तुम, शुक्र करो कि मुझे वक्त पर अकल आ गई, वरना जिसका खुद का फ्यूचर ना हो वो दूसरों का क्या सहारा बनेगा। मेरी मानो सच्ची एडवाइस दे रही हूँ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और ये क्रिकेट शिकेट छोड़ दो, तुम्हारे बस की गेम नहीं है। ऐसे मत करो प्लीज। क्या मतलब ऐसा ना करो, मुझे तो जो करना था वो मैं कर चुकी, अब तुम अपने ही गिफ्ट्स पकड़ो। और हाँ वो शॉल तुमने किसकी दी थी मुझे? अम्मी की। हो, और सेट? बेबे का। एयरिंग्स भी उनके थे? वो मिर्ची के थे। ओ, अच्छा उसके थे। हाँ। तुमने क्या दिया था अपने पास से? दिया था ना। क्या? दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा। एक काम करना, घर जाके ना उसका चार बना लेना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। चली गई, चार कैसे डालते हैं? बेबे से पूछता हूँ। हंसी भी नहीं आ रही अब तो, अभी से तलाकशुदा वाली फीलिंग आ रही है। तो 100% मुतल्लिका लगने लगी हूँ, क्या करूँ?
जी क्या तकलीफ है? वो आप वाकई मुझे छोड़ रहे हैं? छोड़ तो चुका हूं मैं, अब फोन बंद करो। क्या हुआ बाजी? बच्ची, तुम्हारी बहन की जिंदगी ना बर्बाद हो गई है, तलाक का धब्बा लग गया उस पर। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ लगा है तलाक का धब्बा? अरे ये वो धब्बा है जो कपड़ों पर नहीं इंसान के किरदार पर लगता है। मैं सारी जिंदगी ना फांसी को माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। गारत करे इस नैश बख्तों की औलाद को, कब्रों में कीड़े पड़े इनके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फाजी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं तू यकीन कर सकता? जहर पर हवा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे खानदान में। तुमने ध्यान से तो सुना था ना? हाँ, मेरे कानों में कोई तेल डला हुआ है क्या? ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। इसने क्या किया? नहीं नहीं, वो ऐसी झगड़ा हो गया था मेरा फाजी से छोटी सी बात पर। अरे इनको छोड़े, वो लड़की वालों का सोचे, वो कल पहुंच जाएंगे कराची। किस मुंह से करेंगे हम परसों फंक्शन? मेरी माने तो मना कर दे इनको, वहीं पर उतर जाएं और वापस चले जाएं अपने घर। अकल घास चलने गई है तुम्हारी? वो तायब गेस्ट हाउस गए मेहमानों की बुकिंग कराने, और वो लड़की वाले जो है लाहौर से साहिवाल पहुंच गए, और तुम वापस भिजवाने की बातें कर रहे हो। कल तक ना डिवोर्स पेपर ही पहुंच जाएंगे। आप लोग बजाते रहे बैंड बाजा, मेरा तो यहाँ किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा कर, मेरा ना काला मुकेश वाला जोड़ा निकाल दे। अब आशी गुलाबी किस मुंह से पहनूंगी? अब फंक्शन तो निपटाना ही है ना, फिर क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों को फंक्शन की पड़ी हुई है, मेरी बहन की फीलिंग का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे फंक्शन निकल जाए फिर सोचते हैं, मुझे यकीन है कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन भाई सच्ची बात है, मेरे दिल में अब फाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, सॉरी। और खबरदार कोई भी इस बात की हवा ना निकाले, वरना उनको ना चस्का मिल जाएगा बातें करने का। चुप। हाय, मेरे बच्चे के निकाह को नजर लग गई, अब मैं क्यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगी इनके बाप को। वो कैश वाला जोड़ा कहां पला? ओए बर्फानी बांदर, तू क्या जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है? कत्ल हो गया मेरे जज्बातों का। अबे तू किस कसाई के हाथों चढ़ गया? कसाई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने ना मेरी फीलिंग से कीमा बना के रख दिया, वो जन्नत बीबी ने। जन्नत के वाले जो है वो कसाई है क्या? अरे उसके अब्बे का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी ना जलाद है। अल्लाह करे उसका जो कजन दुबई में होता है ना मुस्टंडा, उसका कारोबार ठप हो जाए, रोड पे आके लगे। और दूसरी बात तो ये कि अल्लाह करे पहली जहाज ही गिर जाए। यार सबसे तुझे क्या मिलेगा? इंटरनली पीस। भाड़ में गई तेरी इंटरनल पीस। देख बात सुन, मेरी जो लव स्टोरी है ना उसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा बराती हैं जो घुस चुके हैं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ गैस करने का। तू मसला बता, पॉइंट पे आ ताकि कुछ सलूशन निकाल लें इसका। यार हादी में वो चिट्टी बांदरी है ना जन्नत, वो ये गिफ्ट्स मेरे मुंह पे मार के चली गई, कहती तेरा कोई फ्यूचर म्यूचर नहीं है। ऐसे आपस की बात है, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक है कि गई है वो, तेरा बाकी कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे वो इतनी अकलमंद लगती भी नहीं थी, लेकिन अकलमंद है। ये तूने गिफ्ट लिए कहाँ से हैं ये सारे? ये क्या है? अम्मी की शॉल है जो सऊदीया से भेजी थी मामू ने। लानत तेरे ऊपर। ये क्या है? बेबे का सेट। और ये? ये वो मिर्ची के इयररिंग है कानों वाले। लानत हो तेरी जिंदगी के ऊपर, ये इन्हीं सब की बदवाएं तुझे लगी हैं। मिर्ची की सिसकियां होती है ना, और ये जो आहें होती हैं बहनों की, उसी वजह से तेरा रिश्ता परवान ही नहीं चढ़ सके। मैं उस चवल को ना कुछ बन के दिखाऊंगा। तू ऐसा कर, इंसान बन जा, हम सब की जिंदगी के ऊपर एहसान कर दे। हादी भाई मैं सीरियस हूँ, ये आजकल की लड़कियां ना बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुकी हैं, वो ये चीजों वीजों पर रिलाई नहीं करती, वो कहती है बंदे का फ्यूचर म्यूचर होना चाहिए बस। यार ऐसे बात तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, मुझे भी ना आजकल इसी चीज की टेंशन है। मैं सोच रहा हूँ जो चचा का पोल्ट्री फार्म है ना उसके ऊपर जाके मुर्गियों के साथ थोड़ी हेलो हाई कर लूँ, ये ना मुझे भी कोई हरी झंडी दिखा के चला जाए। अभी तो जाके अब अपनी बारात को देखे ना जो आ चुकी है कराची। चल हादी अपनी हसरतों पे आंसू बहाकर सो जा। बल एक बार सादिका बात कर, तू गुड़ खा लेना। तुम जैसे लड़के जो है ना उधर तो अश्के अश्के करते फिरते हैं। बंदे का पुत्र बन गया। बंदे का पुत्र तू बन जा। आप दोनों के आजूज़ माजूज़ बनकर आ गए मेरे सामने।
अल्लाह की कसम फाजी भाई, आपका दुख ही इतना बड़ा है, मुझे इस चाइना के रेट के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है। नहीं, मैं भी सिर्फ आपकी वजह से जो है इस लकी कबूतर को इस वक्त मुंह लगा रहा हूँ। एक मिनट, तुम पहले काला साबुन लेकर ना मुंह को धो के आओ, फिर मुंह लगने की बात करना। काश कि उस काले साबुन से लोगों के काले करतूत भी साफ हो जाते। काश काश। खुदा के वास्ते चुप कर जाएं आप दोनों, किसी को अंदाजा भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ, गुल है तो आपकी ही बहन, लेकिन उसकी शर की वजह से अपना घर ना तबाह कर लेना। वो रामिंदे आप ही की बहन है, लेकिन खाने की टेबल के सामने उसकी मोटी अकल काम नहीं करती। हाँ, और गुल जो है ना वो इस राजधानी में तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगी। और रामीन तो उसका बस नहीं चल रहा कि आपको जंजीर से दीवार के साथ बांध दे। मेरा घर बचाते बचाते कहीं अपने घर बर्बाद ना कर लीजिएगा आप दोनों। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या चल रहा है यहाँ? मैं अपने वकील दोस्त के बारे में बता रहा था सरकार, वो आजकल उसने डिस्काउंट दिया हुआ है ना तलाक के केसेस में 20%। हाँ, मानी मैंने आपको मल्टीवाइटमिन लेने के लिए भेजा था, कुछ एहसास है मेरी तबीयत का? वो मैं फाजी भाई से बात कर रहा था कि वो शहर का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, तो इन्होंने बताया डॉक्टर आयशा के बारे में। पहले उसको वकील तो ढूंढ लेने दो, और बच्चा कोई दरवाजे पर नहीं बैठा जो तुम्हारे ऑर्डर पर छलांग मारकर अंदर आ जाएगा। जी बाजी, जी जी। आप इनको छोड़ें, आप जाकर मिशी से तो बात करें, दिमाग सेट करें उसका। अपने हुजरे से निकले तो उससे बात करूं, कुंडा लगाकर बैठी हुई है कमरे में, अल्लाह जाने कौन सा वजीफा कर रही है। मैं जा रहा हूँ सोने। वकील का नंबर दो। वो दो नंबर है उसके, कौन सा वाला? अब मानी जाइए ना, मल्टीविटामिन लेके आइए। हाँ, वो दुकान खुली होगी। तुमने वकील का नंबर नहीं दिया? वो फोन नंबर बंद है ना मेरा, देता हूँ मैं फोन ऑन करके, बैटरी नहीं है। अच्छा, बाजी अगर दिल खराब हो रहा है तो इमली खा लो। लगा दिया स्टेटस तुमने फेसबुक पर? नहीं। क्यों? अगर मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा लेती तो आप लोग को फेस कैसे करती? जी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बेबी बुला रही थी आपको। आती हूँ। फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? आप हाथ छोड़े हैं मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं, मेरे निकाह में हो तुम। Thank you.